नंद की क्या हुई बहू? तो जाना चाहिए आधी रात को उधर। यानी सांसारिक मर्यादा है कि जहां हमारी बहू बेटियां हो उनसे हमें थोड़ा सा मर्यादा बना करके ही रहना चाहिए, और अगर यही नहीं करना तो गड़बड़ हो जाता ना। वो बात अलग है कि अब फैशन उतर गया, अब भारतीय संस्कृति ने आकर के सब सत्यानाश कर दिया। हाँ, बाकी हमारा पर्दा ही हमारी दौलत है। अब भैया शेखावत जी गलती से, आपका तो सब अनुभव होगा, यहाँ तो प्रैक्टिकल अनुभव नहीं है, किताबी ज्ञान है। गलती से अगर मेरी बहन के है ना कान में चोने का पहनवा दो ना, सोने का लंबा बाला है ना, दोनों कान में नए, और गांव में शादी हो ना तो अगर मान लो पहले देवी जी का घूंघट यहाँ तक रहता होगा ना तो उस दिन ऐसा हो जाएगा है? और आवाज देंगे, अरे ओ भैया शर्मा जी, शर्मा जी इधर वाला नहीं। अरे जब तक कोई ये ना कह जाएगे तुम्हारो बाली छे शांत बहुत अच्छा है अतिशय सुंदर अप्रतिम, तब तक वो दिखाती है। क्योंकि झूठी तारीफ सुनने की आदत है, और स्त्री की सुंदरता ही उसका सबसे बड़ा शत्रु है। अहिल्या का कोई दोष नहीं था, अहिल्या अतिशय सुंदर थी, इसीलिए इंद्र की कुदृष्टि पड़ी। इंद्र की कुदृष्टि पड़ी, चंद्रमा ने साक्षरता दिया और उनके पति ने कह दिया जा आज से पत्थर हो जा। पत्थर बन गई, लेकिन पत्नी ने नहीं कहा मेरा क्या दोष है, मैं तो सुंदर हूं, लोग चलेंगे तो देखेंगे, तो फिर पर्दा भारत की प्रक्रिया उसमें रहो ना। अहिल्या को श्राप दिया गया, गौतम ऋषि ने श्राप दे दिया कि जाओ पत्थर हो जाओ मेरे भाई बहन। अहिल्या ने यह नहीं कहा मेरा क्या दोष है, क्योंकि सर्वोपर थी, उसे पति की आज्ञा। और जब भगवान राम का चरण लगा ना उद्धार हो गया, तो भगवान ने पूछा भी आपको जो है बुरा नहीं लगा जब आपके पति ने श्राप दिया? तो उन्होंने कहा नहीं, कि मुनि साप जो दीना अति भला कीना दो कर जोरी बिनी करे मुनि साप जो दीना अति भला कीना दो कर पावन। भगवान के चरण लगते ही उस पत्थर के अंदर से तेज पुंज स्वरूप में अहिल्या सुंदर कामदेव की पत्नी से सुंदर स्वरूप में आ गई, रति से भी सुंदर स्वरूप में। तो भगवान ने पूछा आपके पति ने आपको श्राप दिया बुरा तो नहीं लगा? बोले नहीं, मैं तो आभार प्रकट करते हूं मेरे पति देव का, क्योंकि अगर मेरे पति ने श्राप नहीं दिया होता तो आज मुझे आपके चरण का रज नहीं मिला होता, मैं भव सिंधु से नहीं तरी। सबसे बड़ा भाव किसका होता है? सुंदरता। लेकिन वह है सुंदरता की नहीं है, जमाना खराब हो गया, क्या करेंगे साहब। हमारे महापुरुष, हमारी बूढ़ी माताएं बिंदी लगाती थी, प्रमाण था, औरत के पत्नी के धर्मांगनी के श्रीमती जी के मस्तक पे अगर बिंदी लगे तो सुहाग के लिए, माग में सिंदूर है तो दीर्घायु होता है उसका पति। टूटे हुए शीशे को कभी नहीं देखा जाता था,
सिंदूर अगर जमीन में गिर जाए तो आंचल से उठाया जाता है, भारत की परंपरा है। हमारी माताएं कहती थी, आज मैं सिंगार कर रही हूँ, ये शीशा गिर के टूट गया, संभाल के जाना, कहीं गलत संकेत है। ये सब संकेत थे, लेकिन अब तो उल्टा हो गया साहब। अब ये सुहाग की बिंदी कहाँ रहती है? बाथरूम के दरवाजे पे, तुम यही रूप में बाहर मिलूंगी तुझे। सिंदूर खत्म हो गया, वो मारकर आ गया, बिंदिया खत्म हो गया, क्या बताएंगे। लेकिन मेरी बहनों, भारतीय संस्कृति है ये, हम भारतीय हैं, हमारा परिचय हमारा गुण है, हमारा कर्म है, हमारा ध्येय है, हमारा साधना है। अगर यही फैशन का दौर रहा, क्षमा करके माफ कर देना जो बोलने जा रहा हूँ, थोड़ा कड़वा लग सकता है, अगर यही चलता रहा तो समाज में निकले हुए बच्चों को कभी ये माताएं स्तनपान नहीं कर पाएंगी और बच्चे भूखे मर जाएंगे। भारतीय संस्कृति में साड़ी पहनती थी माताएं, पल्लू डालकर अपने बच्चे का भूख मिटा देती, वे जींस वाले कहां से पल्लू लाएंगे। इसलिए भारतीय परिधान में रहो, अपनी पारंपरिक जो आपके गुजरात के दृश्य हैं, गुजरात के वृक्ष, उनको धारण किया करो, मेरा निवेदन है। उसमें आप सुसज्जित दिखते हैं और बहुत प्यारे दिखते हैं। आधुनिक परिधानों से दूर रहिए, वेस्टर्न कल्चर से दूर रहिए मेरी बहनों। ये एक नाग है, इसका बहुत बड़ा साइंटिफिक रीजन भी है, व्यासपीठ भी हो, या मैं काफी चीजें नहीं बोल सकता हूं, मर्यादा है। आपका जो पारंपरिक परिधान है गुजरात का, भारत का, उसी में रहो, बड़े सुंदर दिखते हो। इस बनावट की दुनिया में मत जाओ, यहाँ पे सिर्फ रोग 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 मिलने वाला, आनंद का संयोग कभी नहीं मिलेगा। ये मेरा निवेदन रहेगा कि अगर भागवत कथा श्रवण किया तो आज से कुछ चीजें छोड़ देना, आधुनिक परिधान बिल्कुल ही त्याग कर देना, माता पिता की सेवा में लग जाना, स्वनिर्मित भोजन करना। बाहर की ऐसी ऐसी चीजें हैं जो शरीर को बहुत नुकसान पहुंचाती हैं। कन्हैया जी के अंदर यही तो खासियत थी कि गाय का दूध, गाय का घी, गाय का माखन खाते थे। अनेक प्रक्रियाओं से गुजरते हुए भगवान ने अब एक स्थिति का निर्माण आ गया है। राजनीति की बात करते हैं कुछ लोग तो हनुमान से बड़ा कोई मांत्रिक नहीं। शर्मा जी, हनुमान से बड़ा कोई मांत्रिक नहीं, शिव से बड़ा कोई तांत्रिक नहीं, और हमारे कन्हैया से बड़ा कोई राजनीतिक नहीं। कन्हैया से बड़ा राजनीतिक कोई नहीं है। कन्हैया आज गोपियों के बीच रास रचा रहे हैं, ब्रज में आनंद ले रहे हैं, ब्रज की बालाएं आज कन्हैया जी से नाराज हो गई है। अगर आपके प्रिय प्रियतम, जिससे आप अगाध प्रेम करते हो, आपको समय ना दे, थोड़ी सी नाराजगी रहेगी ना। हंसते हैं ना लोग, हंसते। साइकोलॉजी एक बहुत बड़ा पार्ट है। अगर आपको बॉडी लैंग्वेज पढ़ना नहीं आएगा ना, तो लाइफ खत्म हो जाएगी। हंसते हैं ना, ये हंसी भी बहुत कुछ कह जाती है, नहीं कहती किसी के आनंद में आनंदित तो होकर जब आप हंसते हैं तो दो दांत दिखते हैं, और जब किसी में खुश होकर तो कन्हैया जी की मुस्कान जान लेती थी, है ना, कि सामने मेरे जिस दिन वो आ जाएंगे, दूर सिकवे गिले सारे हो जाएंगे, बात करने लगेंगी आंखें वहां, तेरे चंचल जुबान कुछ न कह पाए। अब माताओं की भी जो मुस्कान व्यंगता है, अगर माताओं से कोई चीज कहो, सिखाओ साहब, ओ सिखाओ साहब, अगर किसी से कहो ये चीज अच्छी लगती है, हाँ ठीक है, तो समझ जाओ ही कैन सैक्रिफाइस हो।
सी इज नॉट सेटिस्फाइड। अगर वो ये कह दे ये ले आऊं आपके लिए, देख लो, मतलब वो लाइक नहीं कर रही है ना। और अगर उसे कह दे ये करना है आपको, जैसी आपकी इच्छा प्रभु जी, मेरे प्रियतम, मेरे स्वामी, तो समझ लो मक्खन लगा रही है, गला चटाल रही है, वो चाह रही अभी बात ना हो। और अगर कह दिया ये चीज करना है, ये टक से भी बोलती है, सीख लो आप लोगों का क्या काम आएगा, यहाँ तो किताबी ज्ञान है। क्यों भैया, अगर बोल दे कि ये करना है कर लू, ये भी सिंगल बोला तो ना, अरे बोल दे गुजरात में आवे गरबो न दिवस है, गरबा रमू छे न क्या जमाना छे, मतलब ये बॉडी लैंग्वेज है, फैमिली अंडरस्टैंडिंग में जब माता अपने बेटे के चेहरों की पढ़ती है, कन्हैया जी ने सबका चेहरा पढ़ना चालू किया। और अगर बैठ करके ध्यान देना, कार्यक्रम बैठ रहा है, भोजन बन रहा है, और आप जाकर घर पे बैठ गए और आपने एक बार बोला भोजन हो गया, खैर अब तो लोग खाना बनाते, भोजन का बात ही खत्म हो गया, भोजन हो गया, और अगर वो कह देना वेट, तो आप समझ जाना कि आज अगर आपने इस बेट के बाद मुंह खोला ना, तो कल आपके लिए गेट बंद हो सकता है, इसलिए शांति रखना, बाहर का ही भोजन लेना पड़ेगा। मतलब ये किस चीजें हैं बॉडी में, ये आंखें बहुत कुछ बोलती हैं, ये हमारी आंखें हैं ना, अगर सामने वाले को देखती हैं तो बहुत कुछ। चाणक ने तो कहा है ना, जब कोई नजर झुका ले और छुप छुप के देखे तो समझ लेना उसे आपसे प्यार हो गया। और अगर जब कोई आपकी आंखों में देखे और मंद मुस्काने, तो आप समझ लेना उसे आपकी तरक्की से जलन हो गई है। थोड़ा शांति रखो, दिन में खूब मेहनत कराइए, ठीक है, यानी बॉडी लैंग्वेज। आज ब्रज की बालाओं ने कहा ओके, हमारे और कन्हैया तेरे बीच में शत्रु या मुरलिया है ना, यही है मेरी सौतन। कई कई बालक तो नु कहते ये मोबाइल है ना, एक बार देखे दो बार देखे ना सुने वाले, ये सौतन को बाजू में रखते कि नहीं, पत्नी से जो दूर करे पति को वही उसकी सौतन, चाहे पड़ोसन हो या मोबाइल। अब ब्रज की बालाओं ने कह दिया ये मोबाइल है ना, अपन बैठे ना, आप बैठे हो, कई बार हमारे एक संबंधी है, अगर वो बैठे और फोन किसी का आ गया, अब हो जाता है कई बार अवश्य, कैसे तो मैं फोन बहुत अवॉइड करने लगा हूं, है ना, उसके बाद में वो क्या कहते हैं, ये फोन है सौतन है, जैसे लोगों की बाबा जी बोलते हो सौतन है, फोन बाजू में रखो। आज ब्रज की बालाओं ने किया और कन्हैया की बंसरी चुरा ली, और आज मेरे कन्हैया की सहत तक गोपियों से भागने लगे। दईदारो ओ कन्हैया, तू मेरी तरफ नहीं आता ना, इसलिए ये बंसी चुरा लेंगे, क्योंकि ये बंसी ही मुझसे दूर करती है। दईदारो मोरी बांसुरी ओ राधारानी। आप भी कभी घर में गिर गया है? नहीं, मोबाइल छीन के रख लिया तो कभी आके दे देना, एक बार दे देना, बहुत जरूरी फोन करना, आपने किया कभी? किया ऐसा कभी? आपके साथ हो चुका है, जब देखो मोबाइल में लगे रहते हो, रोटी तो खा लो रख लो, तो फिर अब आदमी गिड़गिड़ाता है, दे 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 दे, अच्छा आप नहीं, बस एक फोन बहुत जरूरी कर लूंगा। दई डारो मोरी बांसुरी
सीता वरी तंबरा ओ सुदंदा ओ आराधिका ओ रजिका ओ पराजिका ओ अमृतसरा सबका नाम लेके कहते तुझे पता ही नहीं है इस बंसी में मेरे प्राण छिपे हुए हैं और डरा रहे हैं अगली लाइन में तुझे पता नहीं है इसमें बड़ी जादू छिपी है तेरे पास रखेगी ना तो रात में कन्हैया बन जाएगी बाजी उल्टी हो गई जो कि ये कहा कि हम साथ हैं